इस पार्टी में रहकर अगर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा तो उस पार्टी में रहने से क्या फायदा? रबे नहीं करेंगे हम, पार्टी छोड़ दिया। हाँ तो क्या करेंगे, ये दलालों की पार्टी एक तरह से हो रही, लोगों को छलने का काम करती, इस पार्टी में रह के क्या करेंगे? थेथर हो गया, नहीं करेगा ये, क्योंकि ये बिहारियों से घिरा हुआ आदमी। स्थानीय नीति भी नहीं बना, नियोजन नीति भी नहीं बना, और ये पी पैसा एक्ट भी लागू नहीं। ये झारखंड बचाओ एक गैर राजनीतिक संगठन हमारा है, और इसी के तहत अभी हम लड़ाई आंदोलन भी करते चले जा रहे हैं। आज का दिन हम लोगों ने मुकर्रर किया था कि 23 तारीख को राजभवन के समक्ष हम लोग धरना पर, वहाँ धरना पर बैठेंगे, और काफ़ी लोग आए भी थे बरसात में भी, क्योंकि आज जिस उद्देश्य से राज बना और राज बनने के बाद जो यहाँ के लोगों का जो बचाव कवच है CNT एक्ट और SPT एक्ट, ये राज बनने के बाद ये सरकार बनी माननीय हेमंत सोरेन को, वो बहुत विश्वास था, भरोसा था, तो उम्मीद भी था कि ये हमारी सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यहाँ का जो CNT एक्ट है उसको हम लोग धरातल को उतारेंगे, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जमीन बचा हुआ रहे। और उसके बाद स्थानीय नीति भी नहीं बना, नियोजन नीति भी नहीं बना, और ये पी पैसा एक्ट भी लागू नहीं, जो केंद्र के द्वारा हम लोग को दिया मिला बिहार के टाइम में मिला था, बिहार में भी उसका संकल्प जारी किया गया था, लेकिन उसको दाब के रखा था, ये राज्य अलग हुआ। तो जो संकल्प जारी किया है, जो हूबहू जो केंद्र के सरकार द्वारा जो पी पैसा एक्ट दिया गया है, उसमें जो 23 उपबंध है, वो 23 उपबंध को हूबहू लागू करने की बात है, तो उसको भी उस पर नज़रअंदाज किया, जिसके चलते आज हमारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो रहा है शेड्यूल एरिया में, तो शेड्यूल एरिया में तो नहीं होना चाहिए था, बट इसीलिए हम लोगों का कहना है कि इसको इस महाधारणा के माध्यम से हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग महामहिम को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, कल हम लोग लिखेंगे, और उससे हम लोग एक समय हम लोग आग्रह करेंगे, एक समय हम लोगों को दिया जाए, और ताकि ये सारे शेड्यूल एरिया का जो आप मालिक हैं, आप ही हमारे माए बाप हैं, आप ही हम अमीनों को देख सकते हैं, तो आप इसको लागू करवाइए, और लागू होगा तो फिर यहाँ पर पंचायत चुनाव भी नहीं होगा, और हम लोगों का जगह जमीन भी बचा हुआ रहेगा। तो दादा, आप लगातार झारखंड की मांगों को लेकर के, आदिवासी एक्ट को लेकर के आप हमेशा मतलब मुखरता के साथ बातों को रखते आए हैं, पर क्या लगता है कि अभी तक सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? हम बोलते बोलते सरकार थेथर हो गई, यही ना समझेंगे, जब उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो ये करेंगे वो करेंगे, SPT एक्ट को लागू करेंगे, CNT एक्ट को लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पी पैसा एक्ट को भी लागू, तो उन्होंने ही कहा था। और इस कहाँ त्रुटियाँ जा रही है जो नहीं हो पा रहा है? थेथर हो गया, नहीं करेगा ये, क्योंकि ये बिहारियों से घिरा हुआ आदमी है, बिहारियों से चारों तरफ घिरा हुआ है, वो लोग इनको नहीं करने दे रहा है, तो अपना भी तो विवेक होना चाहिए ना। दादा, आपकी पार्टी की सरकार आपकी बातों को मुखरता से सरकार क्यों नहीं ले रही है? नहीं ले रही तो क्या करूँ भाई, लेकिन भाई और बाकी विधायक नहीं बोलेंगे तो आखिर वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी शेड्यूल एरिया से जीत के आते हैं, तो उनको भी तो बोलना चाहिए ना। आप नहीं बोले तो मैं तो जबरदस्ती नहीं बोलवा सकता हूँ ना, लेकिन हम तो लड़ाई तो लड़ेंगे, आगे क्या करेंगे वही ना बोले कि अभी हम राज्यपाल से हम लोग समझ लेंगे और इससे बात करेंगे कि आप इस शेड्यूल एरिया के आप मालिक हैं, आप इस पर सरकार पर दबाव बनाइए, इसको लागू करवाइए, और नहीं होगा तो फिर हम लोग राष्ट्रपति के पास जाएंगे दिल्ली। दादा, जिस पार्टी में रहकर अगर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा तो उस पार्टी में रहने से क्या फायदा? रबे नहीं करेंगे हम, पार्टी छोड़ दिया। हाँ तो क्या करेंगे, ये दलालों की पार्टी एक तरह से हो रही, लोगों को छलने का काम करती, इस पार्टी में रह के क्या करेंगे? तो अगर आपकी बातों को मुखरता से सरकार नहीं लेती है तो 2024 में आप JMM से चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो पब्लिक जनता जनार्दन निर्णय करेगा, जिस जैसा करेगा वो लोग वहाँ वैसा करेंगे। सर, राज्य में 27 जो आदिवासी विधायक है, तो उसमें से लोग एक आती है जो राज्य की जनता के मुद्दा को अच्छा से प्रखर से विधान क्यों नहीं उठाएंगे? लेकिन और बाकी 26 लोग सर नहीं उठाएगा तो मैं क्या करूँ? तो उसको वो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, एक दिन 2024 में जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता उसको पूछेगी कि लोबिन हेम्रम जब बोलता था तुम क्या क्यों नहीं बोलते थे, तुम ही तक जनप्रतिनिधि हो, यही उम्मीद से लोगों ने उनको वोट पर दिया था ना, तो आज जनप्रतिनिधि नहीं बोलेगा तो क्या हम चुपचाप रहें?
हमको भी तो एक दिन क्षेत्र जाना पड़ेगा। आज पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं, जनता समझ रही है कौन हमारी समस्या को समझ सदन में उठा रहा है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं और आप नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे, सरकार का दलाली करने हम थोड़े आए हैं। हमारी सरकार में हम नहीं बोलेंगे, इसका मतलब हम सरकार का दलाली कर ली गए हैं। अब हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं, इतने लोगों को जो धोखा दे रहे हैं, इतने लोगों को जो आश्वासन दिए थे, लोगों को विश्वास था, भरोसा था, उम्मीद था, अब नहीं करना, करना था अब उनकी बात है।